बैठना हमारे लिए आरामदायक क्यों होता है खड़े होने के मुकाबले? आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आप बैंक की लाइन में खड़े हैं और आधे घंटे तक आपका नंबर ही ना आए, या आपको स्कूल में पनिशमेंट दी गई हो और आपको खड़ा कर दिया गया हो। ऐसे में आप जब खड़े होते हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है और आपको थकावट होने लगती है, लेकिन उसी के मुकाबले जब आप बैठे हुए होते हैं तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है और बैठना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। क्या आपको पता है कि बैठना हमारे लिए कंफर्टेबल क्यों होता है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम खड़े होते हैं तो हमें थकावट क्यों होने लगती है और जब हम बैठे हुए होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होता है। सो लेट्स बिगिन। आपने हमेशा महसूस किया होगा कि खड़े होने के बजाय बैठना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हम सबको पता है, हमारी पूरी लाइफ, हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक, हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का सारा वेट हमारी बॉडी के एक ही पॉइंट पे, यानी हमारे पंजों पे आके लग रहा होता है, इसलिए कुछ टाइम बाद आपको थकावट होने लगती है। लेकिन उसी की वजह है जब आप बैठे हुए होते हैं तो आपकी बॉडी का वेट चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए जब आप बैठे होते हैं तो बैठना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और बैठते हुए हमें थकान भी नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जब हम खड़े होते हैं तो हमें थकावट क्यों होती है और जब हम बैठे होते हैं तो वो बैठना हमारे लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो और वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है। शेयर कीजिए इसे अपनी फैमिली के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि आप यूट्यूब पे नॉलेजेबल कंटेंट देखते हैं, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए द लॉजिकल टॉक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।